तुम अबू की वजह से परेशान नहीं हो तो फिर क्या बात है? सिला बताओ मुझे। कुछ ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है? हमें अपनों से इतना कुछ सुनने को मिल जाता है, दूसरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अम्मा सिला की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तौबा है तौबा, अगर तुम इस तरह परेशान होती रही तो सिला को कौन संभालेगा? लेकिन अम्मा वो कुछ बताती भी तो नहीं। अरे बहुत बहादुर लड़की है, वो अपने गम अपने सीने के अंदर दबा के रखती है। इसी बात का तो मुझे डर है कि अगर उसने अपने दिल को गमों का खजाना बना लिया तो आगे जाके उसके ही दिल को कोई रोग लग जाएगा। ये घर बेचते और फैक्ट्री चलाते, पागल हो गया क्या है? वो रुबीना और उसकी बेटियां कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? आप तो समझने की कोशिश करें, आप तो समझदार हैं, वो माने या ना माने आप खुद सोचें। घरों से फैक्ट्रियां नहीं बनती, फैक्ट्रियों से घर बनते हैं। ये घर भी तो फैक्ट्री से ही बना होगा ना। देखें समान भाई, अभी तक थे आप अकेले, अब मैं हूँ आपके साथ। दस दस घर बनाएंगे ऐसे, दस दस घर। समान भाई वो स्टेट एजेंट को बुला लिया मैंने घर की वैल्यू के लिए, उसे मना कर दो। मगर रात को तो आपने कहा था जल्दी बेचना। हाँ बेचना तो चाह रहा हूँ, लेकिन रुबीना और जन्नत भी मान जाएंगी, सिला नहीं मानेगी। और अगर वो अदालत चली गई तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा और मैं फिलहाल कानूनी जंग लड़ने के मूड में नहीं हूँ। रात भर सोचता रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे पास आपके तमाम मसलों का हल मौजूद है। वो क्या? पहले आप वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। मेरा आपसे वादा है, मैं आपके तमाम जितने भी मसाइल हैं उनको हल करके छोड़ूंगा, ये वादा है मेरा। अरे भाई जब तुम मुझे इन सारे मसलों से निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी बात से क्यों इनकार करूंगा? बहुत शुक्रिया जमान भाई, आपने हमेशा बड़ा भाई बन के सबका ख्याल रखा है मेरे साथ। समान भाई मैं सिला से निकाह करता हूँ और उससे मैंने पहली शर्त यही रखी है कि वो आपके और मेरे मामलात के बीच में नहीं बोलेगी। मैं नहीं मानता। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था जब मैंने उससे बात की, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपके जितने मसले हैं वो खत्म होने वाले हैं। हमीद इसको तो आप जानती हैं, मेरा दोस्त सुहेल, और ये है वासी अहमद, सुहेल के कजन है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और हाईकोर्ट में लॉयर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, वासी स्पेशली जो है प्रॉपर्टी के केस ही हैंडल करते हैं। मैं तो चाहती थी कि घर की बात घर में ही रहे, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मुझे सुहेल और हुमायूं ने सारी तफसीलात बता दी है। जमान साहब ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद आपको अपने ही घर से बेदखल भी कर दिया। जी ये कुछ पेपर है, इन पे आप यहाँ साइन कर। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही उनको नोटिस फॉरवर्ड करने के बाद कोर्ट में इस केस की पिटीशन दायर कर दूंगा। मैं चाय लाती हूँ। जी काम सुकून से हो जाएगा। बिल्कुल फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब कुछ सेट। अब्बा जान मुझे मालूम है कि मेरे शफकत के साथ शादी के फैसले की वजह से आप मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, बल्कि कोई भी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब्बा जान मैं ये शादी अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे शादी के बाद जल्दी मेरे अब्बा जान के पास बुला लेना, क्योंकि मेरे जीने का मकसद सिर्फ अम्मी जान और अपने भाई और बहन को उनका जायज मकाम दिलवाना है।
अश्वत भाई, आपका पासपोर्ट तो बन गया। अरे वाह शहजादे, अरे खेल हम रहे हैं, वादी तू ले गया है क्या? रख लीजिए। बात सुन मेरी, सुहेल नाम का स्टेट एजेंट आएगा, उसको पूरी फैक्ट्री का विजिट करवा देना। यहाँ भाई सारा माल रखा है भाई सर। अबे तो बेवकूफ के बच्चे, इस साइड पे ताला लगा के उस साइड पूरा घुमा देना ना फैक्ट्री। बोल दियो चाबी नहीं है तेरे पास। ठीक है सफर भाई। और हाँ, जितना जल्दी हो ये माल राजू उस्ताद के अड्डे पे शिफ्ट करवा देना। मां भाई क्या हो गया भाई, एक दिन में इतना माल किस तरह शिफ्ट होगा भाई? पुलिस का नाका हाथ लगा हुआ भाई। वक्त नहीं है मेरे पास, मुल्क से बाहर निकलना है मुझे। अरे मैं भी चाहता हूँ कि अपनी ख्वाबों की शहजादी के साथ अपनी ख्वाबों की जिंदगी पूरी करने जाऊँ। लेकिन आप तो हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो भाई, हमारा क्या होगा भाई? भाई हम तो भूखे मर जाएंगे भाई। अबे वो सदियों के भूखे नंगो, फिक्र नहीं करो, देखे जाऊंगा हिस्सा तुम लोगों को। वैसे कहा था भाई बहुत सखी थी भाई। पकड़ ले जाके बाहर से मक्खन ले आ। चल बस कर, चल बाजी लगा। आओ जन्नत डांस कर। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ ओ सिला भी आ गई, अब तो पार्टी करेंगे हम लोग। पार्टी तो बनती है वैसे महक। जन्नत तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी के आंसू, हमारी किस्मत हम पर मेहरबान हो गई। खुशी अब तो अम्मी ने अब्बू को नोटिस भी भेज दिया। हमें घर से निकालकर हर चीज पर कब्जा किया हुआ था उन्होंने। सिला तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, तुम यही चाहती थी ना? सिला अब तो जो चाहती थी वो सब कुछ हो गया, अब तुमने इतनी गंदी शक्ल क्यों बनाई हुई है? नहीं मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे, और वो भी काश्यप के साथ। आए भाईजान, ये देखो ये है हमारा ख्वाबों का घर, जैसे हमने अपने जी जान लगा के दिल से बनाया। तो फिर इसको आप बेचना क्यों चाह रहे हैं? वक्त और हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं मेरे दोस्त कि इंसान अपने आप को बेचने में मजबूर हो जाता है। ये तो फिर एक हार है। ये बात तो है। सॉरी, एक्चुअली ये घर इतने दिल से और प्यार से बनाया था कि थोड़ा जज्बाती हो गया। बहरहाल आप कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी बिक जाए, मैं जल्दी बेचना चाह रहा हूँ। आप मुझे विजिट तो करवा दें पहले। जी जी आए, प्लीज आए। ये एक वॉशरूम है एक्स्ट्रा, डाइनिंग। आए आप चाहें तो तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं। जिसको भी दिखाएंगे ना इंशाल्लाह जरूर मुंह मांगे पैसे देगा। एक एक चीज हम लोगों ने पता नहीं कहां कहां से मंगवाई और बहुत मेहनत की जी। ये बात तो है। आए बल्कि आपको लॉन्च और बाकी एरिया दिखाऊं। ठीक, बाकी का घर भी आप चाहें तो यहाँ की भी तस्वीरें ले लें। और आप यकीन माने इस पूरी सोसाइटी में इस जैसा घर नहीं मिलेगा। घर क्या बल्कि महल कहें महल। नो डाउट, जिसने भी ये मकान बनाया है बहुत दिल से बनाया है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बस इस नाचीज ने कोशिश की है जी। होने को तो मेरे भैनोई का घर है, पर यकीन माने प्लॉट से लेके इसकी कंप्लीट तैयारी तक एक टांग पे खड़ा रहा हूं, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और आज महल की सूरत में आपके सामने जो कि आप देख रहे हैं। तो ये मकान आपके बहनोई के नाम है? जी जी मेरे बहनोई के नाम पर है। लेकिन मैंने तो सुना था ये किसी रुबीना नामी खातून के नाम है। हाँ हो सकता हो, सेल एंड परचेज तो चलती रहती है प्लॉट्स की। आपका काम है, आप बेहतर जानते हैं। खैर आप बेफिक्र हो जाएं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, बस जल्दी से जल्दी भेज दें, डबल कमीशन दूंगा आपको। समझे सौदा आपका हो गया, बस मैं एक नजर फैक्ट्री भी देख लूं, फिर दोनों का सौदा साथ कर लेंगे। जी जी मैंने फैक्ट्री में कॉल कर दी थी, मेरे लोग जो हैं वो आपको विजिट करा देंगे। सॉरी एक्चुअली बिजी हूँ, थोड़ा काम है तो मैं नहीं आ सकूंगा। ठीक, आपने यहाँ की लेनी तस्वीर? मैंने यहाँ की तो ली। आए मैं आपको ऊपर का विजिट करूँ।
अरे न्यूज तो देखने दो ताकि पता चले दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया की फिक्र करनी छोड़े और अपने घर की फिक्र करें। देखें आपके घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे शफकत स्टेट एजेंट को लेकर आया आपका घर दिखाने के लिए। तो करवाने दो, इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अच्छा तो आपने अब पूरा प्लान कर लिया ये घर भी बिकवाने का। मगर याद रखिएगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे तुम बिला वजह क्यों टेंशन लेती हो? जब रुबीना और उसके बच्चों को कोई एतराज नहीं तो। अच्छा तो रुबीना को बताया आपने कि आप ये घर बेचने वाले? हाँ हाँ मैंने बताया उसको बिल्कुल। बस उसने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? उसने कहा है कि ये मकान बिक जाए तो उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। झूठ है ये सब, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? रुबीना ने तो खुशी खुशी मान ली ये बात। यहाँ की तस्वीर जरूर लें। ठीक है जी, आए। मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस घर की खुशियां वापस लौटा दी। सारे बच्चों के चेहरे पर रौनक देखकर मेरा दिल तो भाग भाग हो गया। जी अम्मा। लेकिन रुबीना तेरे चेहरे की उदासी नहीं है। अम्मा बस मैं ये सोच रही थी कि जब नोटिस मिलेगा तो समान मेरे बारे में क्या सोचेगा। तौबा है तौबा, तू अभी भी उसके बारे में सोच रही है? अरे उसने तो कभी हम लोगों की परवाह ही नहीं की। तू अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर, वो तो इतना बदनसीब है जिसे ना अपने बच्चों की फिक्र, ना माँ की, ना बीवी की, उसको किसी की फिक्र नहीं है। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसे सख्त से सख्त सजा दे। अम्मा बद्दुआएं तो मत दें, वो आपकी औलाद है और माँ के लबों से निकलने से पहले ही बात पूरी हो जाती है। बस अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। सोहेल तुमने फैक्ट्री का विजिट कर लिया? नहीं, शफकत ने मुझे पहले घर का विजिट कराया है। हाँ अब मैं फैक्ट्री की विजिट के लिए जा रहा हूँ। शफकत तुम्हारे साथ ही है क्या? नहीं मैं अकेले जा रहा हूँ। सोहेल तुम ऐसा करना कि फैक्ट्री की तस्वीर बना लेना। मैंने एहतियातन घर की पिक्चर्स तो बना ली थी, फैक्ट्री की पिक्चर भी बना। वेरी गुड। अच्छा सोहेल बी केयरफुल, उस फैक्ट्री में कुछ मशकूक सी चीजें होती रहती हैं तो एहतियात से। हाँ डोंट वरी डियर, तुम बेफिक्र रहो, मैं जब ही तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया था कि कोई इशू ना बने। बस ठीक है, वहां से फ्री होके मुझे कॉल कर लेना, बाकी सब अल्लाह मालिक। चल ओके। ठीक है सर, आगे देखें क्या होता। शफकत मुझे कल ही तुमसे निकाह करना है। हाँ तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कल शाम तक गवाह और काजी का बंदोबस्त कर लूंगा।
अच्छा तो रुबीना को बताया आपने कि आप ये घर बेचने वाले? हाँ हाँ मैंने बताया उसको बिल्कुल, बस उसने एक शर्त रखी। कैसी शर्त? उसने कहा है कि ये मकान बिक जाए तो उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। सिला, तुम हमारी खुशियों के खातिर अपना मुस्तकबिल तारीख में कर रही थी। बचपन में जब गुड़ियों से खेलने की उम्र थी तब भी तुम नौकरों की तरह सारे घर का काम किया करती रहती थी, और अभी भी जब हमें हमारे घर से निकाला गया तो तुमने हमें दरबदर की ठोकरें खाने से महफूज रखा। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें पता है अगर मैंने शपथ से देखा नहीं किया तो वो उबाइयों भाई और साईं को नुकसान बचा सकता है। तुम्हें पता है वो एक घटिया इंसान है। हमारा ईमान है कि जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। तुम्हें शफकत से डरने की जरूरत नहीं, हुमायूं ने इसके खिलाफ काफी सबूत जमा कर लिए हैं। बहुत जल्द वो जेल में होगा। कैसे सबूत? वो हमारी फैक्ट्री में मंशियात का कारोबार कर रहा है। साहिम को भी नशे की लत उसी ने लगाई। और तो और जमान अब्बू के साथ मिलकर हमारा घर भी सेल करना चाहता है और मंसूबा भी बना चुका है। क्या बात है आज आप सुबह ही उठ गए? हाँ मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद ही करवा दूं। मेरी मदद? जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है जब उनकी मदद नहीं कर रहे तो फिर मेरी भी मदद करवाने के क्या फायदा? फिर तुमने ये फजूल बातें शुरू कर दी हैं? अम्मी तो वकील के पास गई, कुछ कागजात पर दस्तखत करने थे। आज समान अबू को नोटिस भिजवा दिया जाएगा। हुमायूं भी साथ गए होंगे। जन्नत का जो शौहर है प्रॉपर्टी का काम करता है, ये तो पता है ना आपको, तो सारी बारीकियां जानता है वो प्रॉपर्टी के बारे में, के पेपर्स में क्या होता है क्या नहीं होता। इसी बुनियाद पे उसने एक तगड़ा वकील कर दिया, और उस वकील ने अगर ये साबित कर दिया ना कि आपने गैर कानूनी तौर पे वो घर बेचा है जो कि आपने बेचा है, कसम खुदा की समान भाई मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं आपको सलाखों के पीछे देख सकूं। अबे तो कुछ करना, रोक उन्हें जाके। बेफिक्र हो जाओ, सब संभाल लूंगा, सब का सब, कोई नोटिस वोटिस नहीं आएगा। ओ अम्मी, लगता है साईम की तबीयत फिर खराब हो गई है। महक, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अम्मी को कुछ हो गया है। साईम, अम्मी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अम्मी को? नहीं जन्नत, अम्मी को कुछ हो गया, मैंने ख्वाब देखा है।